नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बात नारी की में। भारत में हर मिनट महिलाओं के खिलाफ कोई ना कोई अपराध होता रहा है और होता भी है। आज के जमाने में महिलाएं बाहर काम करने के लिए निकलती हैं तो क्या अपने घर दफ्तर में सुरक्षित है या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब ऐसे में बहुत जरूरी है कि महिलाएं हमेशा अलर्ट रहें और अपने अधिकारों के बारे में जानें। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को देखते हुए उनके हित में बहुत से कानून बनाए गए हैं। ये कानून ऑफिस या वर्क प्लेस पर भी महिलाओं को सुरक्षा देते हैं। एक महिला कर्मचारी के रूप में अपनी सुरक्षा के लिए निर्धारित अधिकारों के बारे में सभी महिलाओं को पता होना चाहिए। बात नारिके में हम आज बात कर रहे हैं महिलाओं के अधिकारों को लेकर कि वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरीके से वो अपने अधिकारों का उपयोग कर सकती हैं, महिला कैसे सुरक्षित रहें, कौन कौन से कानून बनाए गए। हमारे साथ अधिवक्ता सुमन आहूजा जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सुमन जी जनतंत्र टीवी पर। इनसे जानेंगे कि महिलाओं के उन अधिकारों के बारे में जिन अधिकारों का उपयोग करके महिला अपनी सुरक्षा भी कर सकती है और एक वर्क प्लेस पर कौन कौन से ऐसे अधिकार होते हैं। मेरे ख्याल से सुमन जी बहुत कम लोग शायद जानते हों, ज़्यादातर तो लोग नॉर्मल अधिकार ही जानते हैं, लेकिन वो सारे अधिकार जो महिला के लिए बनाए गए हैं वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। बिल्कुल सही है कि आज की जो वुमेन है वो अपने अधिकारों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। बहुत कम महिलाएं हैं जो वर्किंग प्लेस पे, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट होता है, सेक्सुअल असॉल्ट इन वर्किंग प्लेस पे जो उनके राइट्स हैं वो उनको मालूम होते हैं। पहली बात तो ये कि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि व्हाट इज अ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट होता क्या है, यानी किसी भी महिला की इच्छा के विरुद्ध उससे शारीरिक संपर्क बनाने का प्रयास करना या किसी भी तरह की इस तरह की गतिविधि को करना, जिस तरह से आप उसको अश्लील पिक्चर दिखाना, अश्लील संवाद करना या कुछ अश्लील हरकतें करना जो उस महिला की इच्छा के विरुद्ध हो। और यह सिर्फ शारीरिक ही नहीं होता, उत्पीड़न मानसिक भी होता है। कई बार ऐसा नहीं होता कि आप उसको छू रहे हैं और छूने से ही सेक्सुअल असॉल्ट होता है। कई बार आप उसे इस तरह के मैसेज उसके फोन पर भेज देते हैं या आप उसकी टॉकिंग कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर ही आती है। सबसे पहली बात, जिस तरह से आप बता रही कोमल जी, हमारे देश में जो महिलाओं के साथ अपराध होते हैं उस अपराधों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। शाम के अंधेरे देख मुझे खौफ होता है, मेरे देश में हर 4 मिनट में एक बलात्कार होता है। और सेक्सुअल असॉल्ट उस बलात्कार की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जब सेक्सुअल असॉल्ट होता चला जाता है तो उत्पीड़न करने वाला तो खामोश होता है और सामने वाले को लगता है कि उसे शायद कोई इशारा मिल रहा है, वो उसकी खामोशी को इशारा समझ के और तेज अपनी गतिविधियां कर देता है जो बलात्कार की तरफ बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमारे देश में बहुत सारे कानून बनाए हैं, अगर जरूरत है तो महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की। सबसे पहले तो भारत के अंदर हर सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, हर वर्किंग प्लेस में जितने भी गवर्नमेंट प्लेसेज हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, जिसे हम ICC कमेटी या आंतरिक शिकायत कमेटी बोलते हैं। जितने भी गवर्नमेंट प्लेसेज हैं जहां पर महिला और पुरुष एक साथ काम करते हैं वहां पर इस कमेटी का होना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि अगर आपके साथ कलीग्स मेल और फीमेल हैं और ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आपके साथ आपके सीनियर्स ऑफिसर्स हैं वो आपको प्रमोशन का लालच दे दें या आपके कलीग्स आपके साथ किसी भी तरह का बैड टच कर रहे हैं या आपको काम समझाने के बहाने आपको कुछ गलत मैसेज भेज रहे हैं, किसी भी तरह की वीडियो आपके फोन पर मैसेज के थ्रू आपको कोई अश्लील वीडियो भेजते हैं, तो इस तरह के लिए आप अपने सीनियर्स को सबसे जो पहला प्रोविजन आता है कि आप उस कंप्लेंट कमेटी के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उस कंप्लेंट कमेटी का सबसे पहला प्रोटोकॉल ये होता है कि वहां पर एक जांच कमेटी होती है जिसके अंदर कुछ लोग होते हैं और वो उस कमेटी के अंदर जांच करके उसको बताते हैं कि क्या इस महिला के साथ इशू, ये जो सच्चाई है ये बात हुई है या नहीं, और अगर ऐसी कुछ घटना हुई है और जांच में उसकी पुष्टि हो जाती है तो शिकायतकर्ता की उस पर जांच करके और उस व्यक्ति को उस कार्यालय से हटा दिया जाता है। और ये कमेटी सिर्फ वर्किंग प्लेसेस पे नहीं होती, जो कॉलेज गर्ल्स होती हैं, जितने भी फीमेल कॉलेज होते हैं या कोई भी कॉलेज होता है, हर जगह ICC की कमेटी कंपल्सरी है। हाँ, प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हम कह सकते हैं क्योंकि उन लोगों के अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कि वो इस तरह की कमेटी बनाते हैं या नहीं बनाते, लेकिन बाय गवर्नमेंट लॉ हर ऐसे प्लेस पर जहाँ पर मेल एंड फीमेल इकट्ठे काम करते हैं वहाँ पर एक ICC की कमेटी जरूर होती है। अब बात आती है महिलाओं के अधिकारों की बात। महिलाओं के जो अधिकार है हमारे देश के अंदर, महिला और पुरुष को एक समान दर्जा दिया गया है। समान दर्जा
इसलिए दिया गया है कि कभी भी महिला को हीन भावना ना हो। जितना वेतन एक पुरुष को जिस कार्य के लिए मिलता है उतना ही वेतन यदि उस महिला को उस कार्य के लिए मिलेगा तो उन दोनों की डिग्निटी बरकरार रहेगी। इस तरह से कोई पुरुष किसी दूसरी महिला को प्रमोशन के नाम पर सेक्सुअल असॉल्ट के लिए ऑफर नहीं कर सकता या संबंध बनाने के लिए ऑफर नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के अंदर या भारतीय कानून के अंदर कमेटी ऑफ स्टेट ऑफ वुमेन इन इंडिया, हर देश के हर स्टेट के अंदर ये कमेटी बनी हुई है कि अगर आपके साथ कहीं पर भी अगर आपकी जो आईसीसी की कमेटी में आपकी सुनवाई नहीं होती तो उसके बाद आप अदालत में अपील कर सकती हैं। अदालत में अपील करने के साथ साथ आप कमेटी ऑफ स्टेट ऑफ वुमेन इन इंडिया उसमें कम्प्लेन कर सकते हैं। और एक चीज और भी है, ये सारी बातें तो हो गई, हम लोग अर्बन सिटीज की बात कर रहे हैं, ऐसी भी जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पर भी वर्किंग वुमेन होती हैं, वो भी कहीं ना छोटी छोटी ग्राम उद्योग में बहुत सारी संस्थाओं में फैक्ट्रियों में जाती हैं। जो गरीब महिलाएं होती हैं उनके साथ उनके शिशु भी होते हैं। वर्किंग फीमेल्स के लिए ऐसी भी सिचुएशन आती है कि उनके पास उनके छोटे बच्चे होते हैं और उनके लिए अलग से रूम अलॉट किया होता है कि आप वहां पर जाकर अपने बच्चों को टेक केयर कर सकें। कुछ टाइम दिया होता है, टाइम बाउंडेशन होती है कि जहां आप अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर सके ताकि आपके साथ किसी भी तरह का असॉल्ट ना हो सके। जिस तरह से ग्रामीण प्लेसेस में क्या होता है वहां पर लोग पीले बच्चों को भी साथ लेके चली जाती है, वहां पर दिया जाता। आज के डेट में भारत हर जो भी लीगल सेल अथॉरिटी वगैरह है वहां पर बच्चों के लिए अलग से, ताकि जो वर्किंग वुमेन है या जो लोग वहां पर आए हैं वहां बच्चों की सेफ्टी के लिए भी, बच्चों के लिए भी, उनकी सुरक्षा के लिए भी, कि जितनी देर तक वो महिलाएं काम कर रही हैं वहां पर उनके शिशु एक डे केयर की तरह वहां पर उनकी भी रखवाली हो सके। तो ऐसे अधिकार भी महिलाओं को मिले हैं। वुमेन ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट में जहाँ महिलाओं के साथ जितने भी सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, जितने भी यौन उत्पीड़न के जो केसेस होते हैं, अगर आपकी सुनवाई जो इंटरनेशनल मैटर्स होते हैं तो आप अपनी सुनवाई को, अपनी शिकायत को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अधिकार हमारे भारतीय संविधान ने, भारतीय कानून में महिलाओं के लिए दिए हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन महिला अधिकारों के प्रति जागरूक होने की बजाय संकोच में रहती है या दबाव में रहती है, जिस वजह से वो शिकायत नहीं कर पाती। कोमल जी, जो मामले हमारे सामने आते हैं जी वो मात्र कुछ प्रतिशत ही होते हैं, हजारों ऐसे केसेस होते हैं जो हमारे सामने आते ही नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ केसेस सामने आ जाते हैं तो वो दबाव के कारण फाइलों के नीचे दबे ही रह जाते हैं। सुमन जी, ये तो आपने कई सारे अधिकार बताए और मेरे ख्याल से जो दर्शक, जो महिला दर्शक हमें देख रही होंगी, कई सारे अधिकार उन्हें पता भी नहीं होंगे कि कौन कौन से अधिकार हैं। और वाकई में काबिल तारीफ है कि आपके जरिए हम उन तक ये अधिकारों की जानकारी पहुंचा पा रहे हैं। अब हम वर्किंग वुमेन को लेकर बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम मैटरनिटी एक्ट को लेकर पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैटरनिटी एक्ट को लेकर भी मेरे ख्याल से पूर्ण जानकारी होना बेहद जरूरी है, तो इसके बारे में पहले मैं आपसे जानकारी लूंगी। मैटरनिटी एक्ट में महिला जो भी किसी भी वर्किंग प्लेस पर काम करती है उसे अपने बच्चे को जन्म देने के लिए 6 महीने पहले या उसकी सुविधा अनुसार जब भी वो छुट्टियां चाहती है और 6 महीने शिशु के जन्म के बाद तक पूरी तरह से पेड, नॉट कि उसकी वो छुट्टी लेगी तो उसकी सैलरी काट ली जाएगी, पेड उसे उसकी सैलरी पूरी मिलेगी और उसे छुट्टियों का पूर्ण रूप से अधिकार है। और ऐसी इसी मैटरनिटी में जैसे मैंने आपको बताया है कि ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं कि वहाँ पे क्रच सिस्टम होता है कि अगर उस महिला के पास कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है, सासू माँ नहीं है या घर में उस बच्चे को लुक आफ्टर करने वाला नहीं है तो उस इंस्टीट्यूट में डे केयर सेंटर्स या चाइल्ड कर जरूर होंगे जहाँ पर वो 6 महीने के बाद अगर अपने बच्चे को लेकर आना चाहे और अपनी जॉब को भी कंटिन्यू करना चाहे तो इस तरह से वो अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकती है। और वहाँ पर यदि उसके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन उठाता है या उसके फीमेल्स उसको ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो उन सबके खिलाफ कोर्ट में जा सकती है, ICCI कमेटी में कंप्लेन कर सकती है और अपने अधिकारों की आवाज को बुलंद कर। सुमन जी, आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर बात की और ये जो एक्ट को लेकर मैं बात करूंगी 2013 यानी कि इस एक्ट को लेकर हम पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि वैसे तो आपने काफ़ी कुछ बताया लेकिन खास तौर पर इस एक्ट को लेकर मैं बात करूंगी, ये एक्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013, इसके जानकारी भी लेंगे आपसे। कोमल जी, एक्चुअल में इससे पहले जो वर्किंग, आज से बहुत साल पहले वर्किंग वुमेन को अपने अधिकारों के बारे में बात नहीं पता था। आपने कुछ समय पहले एक मी टू ड्राइव भी देखी होगी जी, जो इसीलिए चलाई गई थी कि सोशल सेक्सुअल असॉल्ट इन वर्किंग प्लेस, उसका पर्पस यही था कि किसी भी महिला के साथ वर्किंग प्लेस में किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो वो अपनी कंप्लेंट मी टू के थ्रू पूरे देश में उसकी इस बात को पहुंचाया जाएगा और उसके खिलाफ
कार्रवाई की जाएगी, जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया कमेटी ऑफ स्टेट ऑफ वुमेन इन इंडिया, इसी तरह से मी टू जो ड्राइव चली थी उसके अंदर ये सारा का सारा प्रोटोकॉल, और उसके अंदर 20-25 साल पुराने किस्से भी निकल कर आए। और एक केस आपने बहुत फेमस सुना होगा कि किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ एक महिला ने कंप्लेंट की थी 20 साल पहले इन्होंने मेरे साथ इस तरह का संबंध बनाया और मुझे प्रमोशन के लिए। तो इस तरह की भी गतिविधियां होती हैं। लेकिन एक चीज और भी है कोमल जी, हमें यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि बहुत सारी महिलाएं गलत शिकायत भी कर देती हैं। जैसे हर लाके वही मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। कभी कभी महिलाएं यहाँ पर अपने फायदे के लिए किसी दूसरे के लिए किसी इनोसेंट पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट, झूठी कंप्लेंट भी फाइल कर देती है। तो यहाँ पर कानून ने इस व्यवस्था को बचाने के लिए भी अगर कोई महिला किसी पुरुष के खिलाफ झूठी सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेंट करेगी तो उस महिला के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। जाहिर सी बात है। सुमन जी, आपने मैटरनिटी एक्ट को लेकर जो जानकारी दी, ऐसे में कई सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कहती हैं कि आप रिजाइन दे दीजिए, तो इनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है? क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, पर्सनल लाइफ में भी देखे हैं, कई सारे फीमेल्स जो वर्किंग होती हैं जब उनका ऐसा वक्त आता है और वो जब लीव मांगती तो उनसे मांग की जाती कि आप रिजाइन दे दीजिए, तो लास्ट में यही होता है कि छुट्टी नहीं मिल रही है तो रिजाइन देना ही होता है, नौकरी छोड़नी होती। इस पर किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है? भारत के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत सारी आ गई, वो अपने काम को प्रायोरिटीज देती हैं और लॉ को थोड़ा कम प्रायोरिटीज देती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक बार आप रिजाइन तो देना आपको मजबूरी है, क्योंकि रिजाइन देना आपकी मजबूरी है क्योंकि वो आपको आपकी सैलरी पे नहीं कर रही। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप अपनी मैटरनिटी से फ्री हो जाती है आफ्टर 3 मंथ और आफ्टर 4 मंथ, आप इन कंपनीज के खिलाफ एक केस हायर कर सकती हैं, केस फाइल कर सकती हैं, जिस पर आपकी क्या कहते हैं ह्यूमन आपको दिल्ली लीगल सेल अथॉरिटी या देश की हर लीगल सेल अथॉरिटी, भारत के अंदर हर भारत के हर कोने में एक फ्री लीगल सेल अथॉरिटी होती है जो हर महिला को मुफ्त कानूनी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। यदि आपके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास केस लड़ने के लिए वकील नहीं है, तो देश की लीगल सेल अथॉरिटीज आपको फ्री ऑफ वकील भी आपको हायर कराती है और वो लोग आपके लिए इस तरह के केसेस को लड़ते हैं और आपके लिए न्याय उपलब्ध कराते हैं। और फिर उसमें आपको वो जो सर्विस है उसके जो मुआवजे हैं वो दिया जाता है, जो आपका टाइम लॉस हुआ है वो सारी चीजें आपको वापस मिलती हैं, आपके अधिकार आपको दिलाए जाते हैं। ठीक, सुमन जी, आगे आपसे मैं ये भी जानूंगी क्योंकि हम समानता को लेकर भी बात करते हैं, कहते हैं आज के वक्त में कि महिलाएं और पुरुष समान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी सोच कभी ना कभी तो दिखी जाती है। लेकिन इसको लेकर जो अधिनियम है हमारा समान पारिश्रमिक अधिनियम, इसको लेकर बात करेंगे क्योंकि कई ऐसे वर्क प्लेस होते हैं सुमन जी जहाँ पर महिलाएं भी काम कर रहे हैं पुरुष भी काम कर रहे हैं लेकिन उनको समानता उस तरह से नहीं मिल पाती है, ये भी जानकारी दर्शकों को पहुँचाएंगे। कुमार जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे देश में समानता अधिनियम बनाया हुआ है, वो सिर्फ इसीलिए बनाया गया कि महिला और पुरुष समान है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, अगर हम लोग इतिहास के लिए बात करते हैं तो क्या इतिहास के किसी पन्ने में, क्या किसी कागज में या किसी किताब में हमने पढ़ा है कि पुरुष स्त्री से श्रेष्ठ है? शायद हमने कभी पढ़ा भी नहीं है। तो ये एक पुरुष मेल जो डोमिनेटिंग सोसाइटी है जिसने ये बना दिया है कि पुरुष स्त्री से श्रेष्ठ है। महिला के अंदर समर्पण की भावना, डेडिकेशन की भावना ज्यादा होती है, इसलिए वो परिवार को लेकर समाज को लेकर ज्यादा कॉन्शियस होती है। लेकिन एक महिला पुरुष के बराबर ही कर्मठ होती है और इसी वजह से समान अधिकार नियम बना। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी इनको इक्वल राइट्स दिए गए, हर जगह वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स महिला में भी इनको समान अधिकार दिए। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पर भी कोई भी कंपनी, कोई भी इंटरनेशनल कंपनी, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी, जहाँ पर दोनों लोग काम करते हैं, मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं, वहां पर अगर किसी महिला के साथ एक ही जॉब के लिए अगर एक महिला भी उसी जॉब पर कार्यरत है और पुरुष भी उसी जगह पर कार्यरत है, अगर उन दोनों की सैलरी में एक समानता नहीं है तो महिला अपने अधिकारों को लेकर इस मुद्दे को लेकर वर्ल्ड ह्यूमन राइट में जा सकती है, कानून के दरवाजे के लिए अपील कर सकती है और न्याय का दरवाजा खटखटा सकती है और उसे इस बारे में इंसाफ मिलेगा, उसे उसका हक जरूर मिलेगा। क्योंकि भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में पुरुषों को और स्त्रियों को समान दर्जा दिया गया है। एक ही कार्य के लिए महिला और पुरुष को अलग अलग वेतन देना हमारे कानून का प्रावधान नहीं है। सुमन जी, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948
जिसके तहत अगर हम बात करें महिलाओं के शिफ्ट्स को लेकर, क्योंकि अचानक बदलाव होता है शिफ्ट्स को लेकर, कई सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसको लेकर हम जानकारी लेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शिफ्ट्स को लेकर पहले जानकारी देनी चाहिए, जिसमें आजकल के टाइम में बहुत कम ऐसा हो पाता है, लेकिन द फैक्ट्रीज एक्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। कोमल जी, जो फैक्ट्री एक्ट आया था उसमें सबसे पहली बात, जब आप किसी भी साइनिंग, जब अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो वहाँ पर आपको अपना सारा का सारा टाइम दिया होता है कि ये आपके वर्किंग टाइम है, और वहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ सुविधाओं का होना भी अनिवार्य होता है। जैसे महिला जहाँ पर फैक्ट्री एक्ट है, क्योंकि वहाँ पर मजदूरों की संख्या अधिक होती है, महिलाओं के लिए अलग खाने का कमरा होता है, महिलाओं के लिए अलग वॉशरूम और टॉयलेट होते हैं जो पुरुषों के उनसे अलग होते हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि उन महिलाओं के साथ फैक्ट्री एक्ट के अंदर अगर उन महिलाओं के साथ उनके शिशु भी जुड़े हैं, तो उनके आराम और उनकी सुविधाओं का ध्यान इस फैक्ट्री एक्ट के अंदर रखा गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मजबूरी होती है और शिफ्ट चेंज होती है, आप किसी भी महिला को बिना बताए और उसकी सहमति के बिना आप उसे नाइट ड्यूटी पर नहीं रख सकते, उसकी शिफ्ट को चेंज नहीं कर सकते, ये ऐसा अपराध है। ठीक सुमन जी, वैसे तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि ऑफिस में जो काम करने वाली या कामकाजी जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या क्या अधिकार हैं, लेकिन कुछ अधिकार जो नॉर्मल महिलाएं हैं, मैं वो छोटे छोटे टिप्स भी आपसे जानना चाहूँगी। मेरे ख्याल से कई सारी ऐसी महिलाएं होंगी जानना चाह रही होंगी, क्योंकि जब हम मैटरनिटी लीव को लेकर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है प्रेग्नेंट फीमेल्स को लेकर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट फीमेल या तो ट्रैवल कर रही है या कहीं जा रही है, तो किसी रेस्टोरेंट में जाना या फिर वहाँ पर बैठना अलाउ नहीं होता है। लेकिन मैंने सुना है ऐसा कि प्रेग्नेंट लेडी अगर जाती है तो उसको अलाउ होता है वहाँ पर रेस्ट करना, कुछ वक्त के लिए वो बैठ सकती है, तो ये मिथ है या फैक्ट है? क्योंकि मुझसे भी किसी ने पूछा था और आज हमारा टॉपिक भी ऐसा है, तो मैंने सोचा आपके जरिए उन दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए। कोमल जी, बहुत ही सुंदर सवाल किया आपने। कोई भी महिला अगर वो प्रेग्नेंट है या नॉर्मल है, जिस तरह से अगर मान लो प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके साथ कुछ डिस्कम्फर्ट होते हैं, उस डिस्कम्फर्ट के लिए अगर आपको सराउंडिंग में कोई भी रेस्ट रूम मिलता है, आप आधे घंटे के लिए पौने घंटे के लिए वहाँ पर बैठकर रेस्ट करना चाहते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जिस तरह से किसी भी महिला को किसी भी वॉशरूम को यूज करने के लिए, किसी भी रेस्टरूम को यूज करने के लिए कहीं पर भी पूरे देश के अंदर आप उसको नहीं रोक सकते। ये लॉ है कि महिलाओं को रेस्ट रूम में जाने की आजादी है, वो जाकर वहाँ पर फ्री हो सकती है। उसी तरह से प्रेग्नेंट लेडीज को भी अगर आप वहाँ पर 15 मिनट 20 मिनट बैठकर रेस्ट करना चाहती हैं, इट्स नॉट ए पेड सर्विस। आप कोई रूम नहीं ले रहे हो, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, किसी होटल में बैठे हो और आपको उसकी सर्विसेज नहीं चाहिए, आप 15 मिनट 20 मिनट बैठकर वहाँ पर रेस्ट लेना चाहते हो, तो वो आप अपने कम्फर्ट जोन के अंदर ले सकते हो। वहाँ पर आपको कोई भी बाध्य नहीं कर सकता कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि महिलाओं के अधिकार के बारे में, हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो अपने किसी भी अधिकार के, बहुत सारी महिलाएं अपने अधिकारों के से ही वंचित हैं। सबसे पहले जब छोटी बच्चियां होती हैं, जन्म से लेकर जो बच्चों का अधिकार होता है, बच्चों की भारतीय नारी के अधिकार तो उनकी कोखड़ी में डटने शुरू हो जाते हैं। जब वो माँ की कोख में आती है तो कन्या भ्रूण हत्या करके उसके जन्म का अधिकार ही छीन लिया जाता है, तो ऐसे हजारों अधिकार। उसके बाद जब वो थोड़ी सी बड़ी होती है तो रूरल एरियाज में उसकी एजुकेशन के राइट, जो चाइल्ड लेबर आती है, जो महिला बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां काम करने लग जाती है, चाइल्ड लेबर के राइट, वो बच्चों को नहीं मालूम कि 14 साल से कम उम्र की बच्चियों से आप काम नहीं करा सकते हो। सेक्सुअल असॉल्ट जो खुद और बैड टच छोटी बच्चियों के साथ होता है, जो पोस्को की श्रेणी में आता है, बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपनी माँ के साथ ही काम करने चले जाते हैं और वहाँ पर जो उनके ऑनर्स होते हैं उन्हें बेड आई वॉचिंग कर रहे होते हैं, वो आई वॉचिंग। इस तरह की इतनी सारी चीजें हैं कि हमारे समाज में सबसे बड़ी चीज को मर्जी जागरूकता बहुत बड़ी चीज है, और हमारे देश में सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर कभी भी किसी भी तरह की बात नहीं की जाती। सेक्स को लेकर कभी भी, गुड टच और बैड टच को लेकर छोटी बच्चियों को अवेयरनेस नहीं दी जाती। और जो महिला भी है, जिस तरह की हम बात करें, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है सेक्सुअल असॉल्ट इन वर्किंग प्लेस, तो कभी कभी वो मजबूर भी होती है, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा होता है, कभी कभी उसके जो सीनियर्स होते हैं, उसके बॉस होते हैं, वो उसको प्रमोशन का लालच देके संबंध बनाने के लिए मजबूर करते हैं। हमारे साथ कई बार ऐसे भी केसेस आए, मैं किसी भी व्यक्ति का नाम लेना नहीं समझूंगी, कि एक केस में एक महिला के पति की मृत्यु हो जाती है और वो उसके लिए वो जॉब उसकी मजबूरी बन जाती है, तो उसके बॉस की जो नजर थी वो उस महिला पर थी। जैसे जैसे वो महिला वहां पर काम करती रही, उस पुरुष का उसके घर पर आना जाना शुरू हो गया और उस पुरुष की नजर उसकी बच्ची पर पड़ी, ठीक है। लेकिन वो इतनी मजबूर थी कि उसने उसके लिए आवाज नहीं उठाई,
जब ये बात हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पता लगी और लोगों ने पकड़कर उनको पुलिस के हवाले किया, तब ये सारे भेद खुले। तो ऐसी परिस्थितियों में महिला सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चों को दो वक्त की जो रोटी मिल रही है, वो दो वक्त की रोटी भी नहीं छिप जाए, वो इस तरह के जो शोषण को होते हुए देखती है। देखिए, गीता में कहा है, जुल्म सहने से, जुल्म करने से बड़ा पाप जुल्म को सहना है। अगर महिला जागेगी नहीं, अपने अधिकारों के बारे में आवाज नहीं उठाएगी, महिला को ये लगता है कि लोग उसे ही गलत समझेंगे। जिस तरह से आपने अपनी पहली डिबेट में पहले भी कहा था कि अक्सर लोग महिलाओं पर ही उंगली उठाते हैं कि ये महिला खुद ही ठीक नहीं होगी, तो हमारे समाज की सबसे बुरी बात ये भी है कि हम महिला के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम उसको ही जज करने लग जाते हैं। पुरुष को हम इसलिए नहीं जज करते क्योंकि वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। लेकिन अगर आज महिला जागेगी नहीं, हम लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं, 22वीं सदी में हम चल रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग शिक्षित हैं। अब अगर हम ये लोग कहें, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, जिस देश के अंदर एक आदिवासी महिला आज राष्ट्रपति पद तक पहुंच गई है, वहां पर भी अगर आज सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चीजें होंगी, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। आज हमें जागना होगा, हमें अपने अधिकारों के बारे में सोचना होगा, और सबसे बड़ी बात है, बिना डरे बिना रुके हमें अपने अधिकारों को सोचना होगा। मैं खुद ही कहती हूँ कि अगर महिला शिक्षित होगी, सुरक्षा की ओर, ये हर नारी का पहला कदम होना चाहिए कि मुझे खुद भी पढ़ना है और मुझे सुरक्षा को देखना, और अपनी बच्ची को भी शिक्षित करना है ताकि वो खुद अपने बारे में सोचे, एक सुरक्षा के कदम कायम करे। बिल्कुल, इसके लिए तो बहुत जरूरत है कि जागरूकता होनी चाहिए हर जगह। सुमन जी, एक सवाल और जहन में आ रहा है, मैटरनिटी लीव को लेकर हम बात करते हैं, इस एक्ट को लेकर बात करते हैं, तो जब प्रसूति को लेकर जब छुट्टी की बात होती है, तो ऐसे में कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अबॉर्शन या मिसकैरेज के बाद जो टाइम लिया जाता है, उसके लिए अगर छुट्टी अप्लाई की जाती है, तो वो पेड लीव्स या फिर उसके लिए क्या क्या अधिकार होते हैं? नॉर्मली मैटरनिटी लीव में अबॉर्शन से और उसकी सिमिलैरिटीज ही होते हैं, लेकिन जब आप एक बच्चे को डिलीवर करते हैं तो लगभग आपको 6 महीने की छुट्टियां प्रोवाइड की जाती है। लेकिन मिस कैरेज जैसे सिचुएशन में आपको लगभग 1 हफ्ते की ही विद सैलरी आपको लीव मिलती है। उसके बाद क्योंकि मिस कैरेज का जो समय होता है वो उसमें आप रिकवरी कर सकते हो, कि रिकवरी पीरियड तक ही आपको जो आपकी सैलरी है वो आपको मिलती है। उसके बाद अगर आपको लीव लेनी है तो वो आपको नॉन सैलरी लेनी है। सुमन जी, और एक और सवाल, यदि कोई महिला कंप्लेंट करती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि थाने गए कंप्लेंट की लेकिन एक्शन नहीं लिया गया, उस मामले में क्या कर सकती है एक फीमेल? उस मामले में महिला सीधा 356 की कंप्लेंट लेके डायरेक्ट अदालत तक जा सकती है, और वो ये कंप्लेंट कह सकती है कि मैंने 156(3) की कंप्लेंट कर रही हूँ, मेरी थाने में, किसी भी थाने में मेरी FIR नहीं लिखी गई, इसलिए वो डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट का दरवाजा खटखटा सकती है, जहाँ पर मैजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर करते हैं कि इस कंप्लेंट पर, इस महिला की कंप्लेंट आपने FIR नहीं की, आप इस पर जांच करो, और जांच करके तुरंत इस निरीक्षण करके आप इसकी रिपोर्ट हमें दीजिए, और तब वो सराउंडिंग का जो भी थाना, उस महिला के घर के निवास के बाद जो भी थाना लगता है उसको जांच के लिए वो मजिस्ट्रेट साहब बोलते हैं, और उसकी निरीक्षण के बाद वो दोबारा से अपना बयान देती है, और 156(3) की कंप्लेंट के बाद वो उसकी कंप्लेंट लिखी जाती है। और किसी कंपनी में शिकायत कमेटी अगर ना हो, महिला के लिए गठित करवाना या फिर बोलना हो, उसके लिए किस तरह से अधिकारों का उपयोग किया जा सकता है? के लिए सबसे पहली बात, वुमेन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, महिला एवं बाल कल्याण विकास ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और आपके सराउंडिंग में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, सबसे पहला काम, अगर आपके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट, मॉलेस्टेशन, स्टॉकिंग हुई है, तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करेंगे। यदि आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन वाले आपकी कंप्लेंट को संजीदगी से नहीं लेते हैं, तब आप 156(3) की कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप महिला एवं बाल कल्याण विकास में भी कंप्लेन कर सकते हैं, वर्ल्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन में भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत सारी नारी सशक्तिकरण की जो और संस्थाएं बनी हुई हैं, हम लोग उसमें भी कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए सुमन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण तथ्य साझा करने के लिए। तो बात नारी की, मैं आज हमने महिलाओं के अधिकारों को लेकर बात किया कि वर्क प्लेस पर किस तरह से अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, और ज़रूरत है कि इन अधिकारों के बारे में अगर जानना है तो जागरूकता भी हो, और साथ ही अपनी सुरक्षा करनी है तो जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में तहीं देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी।
and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।